कमजोरी, थकान और सुस्ती का होना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के जीवन शैली में। आज की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये प्रॉब्लम जो है अधिकतर लोगों को देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को थकान जो होती है या सुस्ती जो होती है बहुत ज्यादा लगती है, और जिससे कि वो थोड़ा भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमेशा उन्हें नींद जैसा हमेशा महसूस होता है, उन्हें हमेशा नींद खूब ज्यादा आती है, वो कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा टालमटोल करते हैं, किसी भी काम में उनका ठीक तरीके से मन नहीं लगता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो किसी भी तरीके के काम को अच्छे तरीके से मन लगाकर करने में असक्षम होते हैं, और ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो हमेशा आलस से भरे हुए होते हैं। किसी भी काम करने को वो मना करते हैं, कहीं घूमने जाना है या कोई भी आउटिंग करना है उसमें बिल्कुल जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस उन्हें सोने में ही अच्छा लगता है और काम ना करना पड़े तो उन्हें ज्यादा ठीक लगता है। सो इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, जो जर्मन की होम्योपैथी मेडिसिन है, डॉक्टर रेकवेक की एक मेडिसिन है, जो आपकी मानसिक थकावट को भी दूर करती है, साथ ही साथ शारीरिक थकावट को भी दूर करती है। मानसिक और शारीरिक थकावट जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाने की वजह से भी होती है, और कभी कभी ये सारी थकावट रहती है तो उसमें नसों में भी आपके काफी ज्यादा पेन होता है, आपकी बॉडी में हमेशा हर जगह पे दर्द सा बना हुआ महसूस होता है। तो ये जो मेडिसिन जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रेकवेक की नंबर 26 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ कारण जिसकी वजह से आपको हमेशा थकान या सुस्ती सी बनी रहती है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुस्ती और थकावट हो या मानसिक शारीरिक थकावट हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर या जो कॉज होता है वो होता है नींद का पूरा नहीं होना। आजकल जो हमारी दिनचर्या है वो बदल गई है, लेट नाइट हम सोते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है थकावट का, चाहे फिर वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, वो होता है नींद का पूरी तरह से ना होना, और इससे आपकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और हम में से सभी को कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अगले दिन चुस्ती से रहें, हम अच्छे तरीके से हमारे वर्क कर सकें। तो हमें हमेशा नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी हमें हमेशा अपनी नींद को देनी चाहिए। सोने से कुछ देर पहले हमें लैपटॉप हो चाहे टीवी हो चाहे हमारे मोबाइल फोन हो, उसे हमेशा बंद कर देना चाहिए और हमें अच्छी तरीके से नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो हो सकता है कि आपको कोई किसी तरीके का स्लीप डिसऑर्डर हो, तो डॉक्टर से आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है स्लीप एपिनिया। ये एक तरीके का एक स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें कि आपको नींद के समय ही जब आप सो रहे होते हैं तो वहां पर आपको कुछ समय के लिए आपकी सांस जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आप अचानक से रात में बीच रात में जब भी कभी ऐसा होता है तो आप उठ जाते हैं, और क्योंकि बीच रात में ये कभी भी हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता है, आपको ऐसा लगता है कि आप 8 घंटे पूरी तरह से सोए हैं लेकिन फिर भी आपको अगले दिन जो है बहुत ज्यादा थकावट सा महसूस होता है। तो इस जो स्लीप एपनिया होती है इसकी वजह से भी नींद पूरी नहीं हो पाती है कई लोगों में, और इसका इलाज करवाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो हमेशा आपको सुस्ती सी बनी रहेगी, थकावट सी बनी रहेगी। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। कभी कभी स्लीप एपनिया ओबेसिटी की वजह से भी होती है। वॉक पर जाइए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करना आपको छोड़ देना चाहिए, और हमें पूरी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जांच जरूर करना। अगला जो कारण होता है वो होता है ठीक तरीके से खाना ना खाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पेट भर के खाते हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर को आप पूरी तरीके से एनर्जी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। खराब खाना या कम खाने की वजह से भी आपको हमेशा सुस्ती बनी रहती है, थकावट बनी रहती है। आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, कार्ब्स की भी मात्रा हमेशा होनी चाहिए। अगर आपका पेट आप ठीक तरीके से नहीं भरते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होता है, और ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से भी आपको थकावट सी बनी रहती है। तो हमेशा हमें संतुलित डाइट लेनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो है मेंटेन रहे। तो उसके लिए आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन कार्ब्स को जरूर शामिल करना चाहिए, और जब भी आपको लगता है कि भूख लग रही है तो पूरे दिन में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ। अगला जो फैक्टर है वो होता है एनीमिया, स्पेशली महिलाओं में, क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं, हर महीने ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस होता है,
रहता है, तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं में स्पेशली एनीमिया की कंडीशन में भी उनमें काफी ज्यादा थकावट बनी रहती है। आयरन की कमी होने की वजह से या जैसे पीरियड्स की वजह से महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हमें काफी ज्यादा सुस्ती या थकावट महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें आयरन से भरपूर जो भी हमारी डाइट होती है उसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। तो हमारे डाइट में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए और डाइट में हमेशा आयरन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। आजकल एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो चली है हर किसी में, जो है डिप्रेशन। हमें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक तरीके से मानसिक बीमारी है, और लेकिन इसका असर जो है हमारे शरीर पे भी हमें नजर आता है। अगर हम डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो हमें थकावट भी महसूस होती है, भूख कम लगती है, और हमारे सिर में भी काफी ज्यादा दर्द होता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण है तो हमें इसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, इसकी वजह से भी आपको सुस्ती बनी रह सकती। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है कैफीन की मात्रा। अगर हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तब भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी मात्रा में अगर हम कैफीन लेते हैं तो हमारी एकाग्रता, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा हम इसका उपयोग करते हैं तो इसकी वजह से हमें पेल्पिटेशन होते हैं, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और घबराहट भी हमें हो सकती है। तो इसकी वजह से हमें हर वक्त थकान बनी रह सकती है। तो हमें कैफीन की मात्रा, कॉफी, चाय, जो चॉकलेट्स होती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसकी मात्रा को कम रखना चाहिए हमारी डाइट में। डायबिटीज के पेशेंट में भी सुस्ती हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें की डायबिटीज है उनको भी अपने डाइट पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा टाइम टाइम पर अपने डायबिटीज का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज के साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला जो कारण होता है डिहाइड्रेशन। अभी जैसे गर्मियों के टाइम पे हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आपकी थकान का एक कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। भले ही आप घर के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ठंडा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही ढंग से हमारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दिन भर में हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले और उसके बाद में भी हमें हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, हाइड्रेट करके रखना चाहिए। इसी तरीके से दिल की बीमारी हो या फिर हमें किसी तरीके की फूड एलर्जी हो, ये भी हमारी थकावट का कारण बन सकती है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आपको थकान सुस्ती हो सकती है, और ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो मैं शायद मेंशन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको थकावट बनी रह सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं R26 के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में। R26 जो दवाई है वो एक जर्मनी की दवाई है, और ये आपकी जो भी शारीरिक या मानसिक थकावट है उनकी उस समस्याओं को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। शरीर की जो ताकत नष्ट हो जाती है उसे पूरी तरीके से वापस लाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, और आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी को मेंटेन करने का काम करती है। अगर आपको हमेशा सुस्ती बनी रहती है या किसी काम में मन नहीं लगता है या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में, और इसमें कई तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को मिलाकर इस रेमेडी को तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें किस तरीके की मेडिसिन मिली हुई है और उसका क्या एक्शन होता है। इस R26 में मिली हुई नाइट्रिक एसिडिकम, एसिड फॉस्फोरिकम, कैल्शियम आयोडेटम, फेरम आयोडेटम एंड सल्फर आयोडेटम, ये सारी मेडिसिन से मिलाकर R26 को बनाया गया है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें, होम्योपैथी में जो एसिड ग्रुप होती हैं वो हमेशा जो एसिड होती हैं वो आपकी अगर कमजोरी है, चाहे फिर वो मेंटल लेवल पर हो चाहे फिजिकल लेवल पर हो, अगर बहुत ज्यादा आप वीक हैं, कमजोर है, तो वहां पे ये एसिड जो है वर्क करती हैं। और इसमें दो तरीके की एसिड मिली हुई है, एसिड फॉस्फोरिकम और नाइट्रिक एसिडिकम, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर शरीर में ताकत की कमी हो गई है या कोई भी काम करते हैं तो आपका दिल बहुत ज्यादा तेज तेज धड़कता है, पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, जरा सा चलने फिरने से अगर आपको दम भरने लगता है, सांसें फूलने लगती है, तो ये दवा जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, नाइट्रिक एसिडिकम। अगर सुबह उठकर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा असरदायक होती है। कोई भी काम अगर आप करते हैं, शाम हो चाहे रात हो, और हमेशा आपको हल्का सा भी काम करने के अंदर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। ये सुबह की सुस्ती महसूस जब होती है तब ये उस सुस्ती को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नाइट में सोते हैं तो उसके बाद हमें फ्रेश होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें काफी ज्यादा कमजोरी लगती है, सुस्ती सी लगती है, बिल्कुल भी हम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रिक एसिडिकम जो मेडिसिन है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एसिडिकम फॉस्फोरिकम, इसे फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा सुस्ती या थकान रहती है तो ये मेडिसिन आप अलग से भी ले सकते हैं, हालांकि ये कॉम्बिनेशन भी मिला हुआ है। इसका मदर टिंचर जो है वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो हम कमजोरी में पेशेंट को देते हैं।
स्पेशली मेंटल लेवल पर या मानसिक थकान के कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको थकावट है, साथ में कभी कभी आपको चक्कर भी आ जाते हैं, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैल्शियम आयोडेटम, और ये मेडिसिन जो है थायराइड के मरीज में जिनमें काफी ज्यादा सुस्ती होती है या थायराइड हार्मोन्स के इम्बेलेंस की वजह से कभी उन्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी सी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में जहां थायराइड के मरीज में बहुत ज्यादा थकावट या सुस्ती या कमजोरी है, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है फेरम आयोडेटम, और ये मेडिसिन एनीमिया की समस्या में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है और उसकी वजह से आपको हमेशा थकावट बनी रहती है या सुस्ती सी महसूस होती है, तो ये दवाई जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसे बढ़ाने में भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, और इसी तरह से ये आपकी सुस्ती थकावट को कम करने में हेल्पफुल होती है। ये थी जानकारी R26 के कंटेंट के बारे में और उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब लेने की विधि के बारे में अगर बात करें तो एक चौथाई कप पानी आपको लेना है और उसमें 15 से 20 बूंद इस मेडिसिन के आपको डालना है, और दिन में 3 बार लगभग आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। बहुत ज्यादा थकावट अगर आपको बनी रहती है, मानसिक और शारीरिक थकावट आपको बनी रहती है, तो लगभग 2 से 3 महीने आपको इस मेडिसिन का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये मेडिसिन आप खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं, और जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह में किसी भी तरीके से पान, तंबाकू, गुटखा या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके माउथ में नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी सुस्ती भी कम होती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने में बेनिफिशियल होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा थकान रहती है, चाहे फिर वो ऊपर से दिखने में बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। कभी कभी हमारी मानसिक थकावट के कारण भी हमारा शरीर जो है टूटने लगता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम थके हुए हैं, किस कारण से थके हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी R26 जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर पर मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। कि अगर प्राइस की बात करें तो 220 से 250 तक की इसकी प्राइस होती है। अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग शॉप पे इसकी मेडिसिन थोड़ी सी वेरिएट कर सकती है, लेकिन 220 से 250 तक की इसकी प्राइस जो है वो होती है। तो ये थी आज की वीडियो R26 के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, थकावट के बारे में, क्या कारण होते हैं उसके बारे में। आशा करती हूँ कि ये मेडिसिन आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।